की और आगे फिल्म की रिलीज डेट को करना पड़ा पोस्टपोन। इस बार ईद पर अपने फैंस के लिए कौन सा तोहफा लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान, कौन सी लीड कास्ट है रानी फिल्म में और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे की। राधे फिल्म की शूटिंग फाइनली अब खत्म हो चुकी है और यह फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। जी हाँ, बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड भाई की फिल्म 13 मई 2021 को यानी ईद के दिन रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, इस फिल्म का पोस्टर भी अब रिलीज हो चुका है और सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी इस पोस्टर को पोस्ट किया है। साथ ही यह भी लिखा है कि ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे। जी हाँ, फिर से ईद ही देने वाले हैं भाईजान अपने फैंस को और यह पोस्टर देखते ही सारे फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और मेघा आकाश जैसे एक्टर्स भी हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में गौतम गुलाटी, सुनील ग्रोवर और चंद्री पांडे के भी नाम सामने नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को एक साउथ कोरियन फिल्म द आउटलॉज का रीमेक बताया जा रहा है। अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इस फिल्म में एक डिटेक्टिव होता है जो एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसी के इर्द गिर्द कहानी भी चलने वाली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर रणदीप हुड्डा इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रभु देवा, साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान, सुहेल खान और अतुल अग्निहोत्री। इस फिल्म से पहले भी प्रभु देवा और सलमान खान साथ काम कर चुके हैं। जी हाँ, वॉन्टेड और दबंग जैसी मूवी में साथ काम किया है इन दोनों ने और वह भी एक्शन फिल्म में ही थी। इस फिल्म के गानों को साजन वाजन, हिमेश रेशमिया और देवजी प्रसाद कंपोज कर रहे हैं। साथ ही इस फिल्म को एडिट कर रहे हैं रितेश सोनी। वहीं दूसरी ओर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है आया नाम का हो। अगर बात करें हिमेश रेशमिया की तो हिमेश रेशमिया सलमान खान के लिए तेरे नाम और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों के लिए भी कई बेहतरीन गाने कंपोज कर चुके हैं। इससे पहले दिशा पाटनी सलमान खान के साथ भारत फिल्म में एक डांस नंबर करती हुई दिखी थी। जी हाँ, इस गाने का नाम था स्लो मोशन है और यह गाना काफी पॉपुलर हुआ था। राधे के अलावा सलमान खान के पास इस समय टाइगर स्क्रीन और अंतिम द फाइनल रूट जैसी फिल्में भी हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान शाहरुख खान की पठान और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में कैमियो रोल करते हुए भी दिख सकते हैं। इस फिल्म का बजट अराउंड 140 करोड़ रुपीज बताया जा रहा है। साथ ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 388 करोड़ रुपीज एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म राधे जी स्टूडियोज के साथ भी एसोसिएटेड है। इसलिए जी स्टूडियो ने भी ट्विटर पे ट्वीट कर इस फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा है, इस बार ईद राधे के साथ। इतना ही नहीं, इस फिल्म की हीरोइन दिशा पाटनी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्टर के साथ लिखा है, इस बार ईद राधे के साथ। जल्द ही मिलेंगे ईद पर 13 मई को। राधे फिल्म पहले 22 मई 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण राधे फिल्म की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन फाइनली अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और इस फिल्म को जल्द ही थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉलीग्राड स्टूडियोज को।